जब से क्लासिक में न्यू कलर की एंट्री हुई है तब से 99% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न चल रहा है, मुझे न्यू क्लासिक में कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि क्लासिक ने पुराने 12 कलर को बंद करके 7 नए कलर को लॉन्च किया है और उसमें हमें कौन सा लेना चाहिए ये सभी लोग कंफ्यूज है। वैसे तो सभी बाइक अपने अपने जगह सही है, लेकिन टॉप वेरियंट में ये दो बाइक है जो हर किसी को लेना चाहिए। नंबर 1 स्टिल्ट ब्लैक, नंबर 2 एमराल्ड ग्रीन। अब ये दोनों बाइक में कौन बेस्ट है, यदि आप ये सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, स्टिल्ट ब्लैक या एमराल्ड ग्रीन, इसमें से कौन सा बाइक आपको लेना चाहिए। आज मैं दोनों का फुल कंपैरिजन भी करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप इन दोनों बाइक के फुल फीचर्स को देखना चाहते हैं, इस आई बटन पे देखिए, यहाँ स्टिल्ट ब्लैक रिव्यू लिखा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का कोटेशन देखते हैं कि इनके प्राइस में कितना अंतर मौजूद है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ernieautomotor.com। जैसे आप ये सर्च करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पे जैसे पहुंचेंगे, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो बाइक आपको चूज करना पड़ेगा। अब वो बाइक मिलेगा कहाँ, नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्टिल्ट ब्लैक या एमराल्ड ग्रीन। मुझे यहाँ पे ट्रेंडिंग में दिख रही है, ये एमराल्ड ग्रीन है, ये स्टिल्ट ब्लैक है। सबसे पहले एमराल्ड ग्रीन को देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इसकी जो प्राइस है वो दिख जाएगी, 2.70 लाख, मतलब 2,70,000। इसकी माइलेज है 35,000। इसका कोटेशन यहाँ से देख सकते हैं, इसकी EMI यहाँ से देख सकते हैं। मुझे डिटेल्स के बारे में अभी नहीं जानना क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कोटेशन पे जाऊंगा। कोटेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने यहाँ उसका कोटेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे इस बाइक का नाम न्यू क्लासिक 350 एमराल्ड ग्रीन। इसमें एक्स शोरूम प्राइस जो है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और बाकी RTO चार्ज, इंश्योरेंस कितना है, GMA कितना, ये सभी दिख जाएगा। हमें नीचे से मतलब है, यदि एसेसरीज के साथ लेंगे, विद GMA के साथ लेंगे, 2,87,818 रुपए में मिल जाएगा। यदि विदाउट GMA EWRSA के साथ आप बाइक परचेस करेंगे, आपको 2,69,718, मतलब 2,70,000 में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे एमराल्ड ग्रीन की जो प्राइस है विदाउट EWRSA कितनी है, 2,70,000 में। अब यही सेम टू सेम मैं आपको स्टिल्ट ब्लैक का दिखा देता हूँ कि उसका क्या चीज है। स्टिल्ट ब्लैक को ओपन करेंगे, 2.63 लाख, मतलब 2,63,000। इसकी माइलेज भी सेम वही है जो एमराल्ड ग्रीन में है। अब इसका भी कोटेशन और EMI यहाँ से देख सकते हैं। मैं कोटेशन पे जाता हूँ, जैसे जाएंगे आप सभी के सामने ये कोटेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कोटेशन में तो यहाँ पे भी लिखा है न्यू क्लासिक 350 डार्क स्टिल्ट ब्लैक। इसका एक्सोर प्राइस, RTO, इंश्योरेंस, ये सभी GMA वगैरह देख सकते हैं। मुझे मतलब है विद GMA के साथ 2,81,835 रुपए, विद GMA के साथ EWRSA के साथ ये है। अगर मैं विदाउट GMA लेता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 2,63,736 रुपए में। इतना में आपसे ले सकते हैं। अब इससे मुझे पता चला कि इन दोनों बाइक के प्राइस में अगर देखा जाए तो स्टिल्ट ब्लैक कम प्राइस में है और एमराल्ड ग्रीन ज्यादा प्राइस में है। अब इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंट है इसको बताना शुरू करते हैं। इसे बताने के लिए मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 ओल्ड फीचर्स, क्या क्या ओल्ड फीचर्स में कौन सा सेम है, कौन सा अलग अलग वो बताएंगे। फिर न्यू फीचर्स जो अभी लॉन्च की गई है उसमें कौन सा अलग है, कौन सा सेम है वो भी बताएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंट है, कौन इसमें मौजूद मिलेगा, कौन इसमें मौजूद नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ओल्ड फीचर्स के बारे में बता देते हैं। देखो भाई, यहाँ पे स्टिल्ट ब्लैक में आपको इंजन जो मिलेगा सेम टू सेम वही इंजन आपको एमराल्ड ग्रीन में देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें वो भी सेम वही मिलेगा। ब्रेक्स की बात करें, फ्रंट में आपको 300mm का, रियर में 270mm का डिस्क ब्रेक दोनों में मिलेगा, सेम वही एमराल्ड ग्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। टायर की बात करें, टायर भी दोनों आपको मिल जाएगा सेम टू सेम वही। डायमेंशन की बात करें, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, व्हील बेस, ये सभी आपको जो स्टिल्ट ब्लैक में देखने को मिलेगा सेम वही चीजें आपको एमराल्ड ग्रीन में भी देखने को मिल जाएगी। बात करें फ्यूल टैंक की, फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का स्टिल्ट ब्लैक में भी मिलेगा और एमराल्ड ग्रीन में भी 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगी। इवन आपको देखा जाए तो टोटल जितने भी आपको ओल्ड फीचर्स मिलेंगे वो सेम टू सेम मिलेंगे, कहीं भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जो आपकी स्पेसिफिकेशन है। अब बात करते हैं न्यू अपडेट की, जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया है 1 सितंबर 2024 को। जो नया अपडेट आई है उसमें क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हेडलैम्प की बात करें, ये दोनों सेम मिलेगा LED लाइट के साथ।
पायलट लैंप की बात करें, ये भी आपको एलईडी लाइट के साथ सेम देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर की बात करें, ये भी आपको एलईडी लाइट के साथ दोनों में सेम मिल जाएगी, दोनों में इंडिकेटर एलईडी लाइट के साथ आ जाएगी। गियर लीवर की बात करें, इसमें अवेलेबल अब मिल जाएगी, पहले ये मौजूद नहीं था, और ये दोनों बाइक में आपको गियर लीवर देखने को मिल जाती है। और गियर इंडिकेटर की बात करें तो मीटर में आप देखेंगे तो यहाँ दोनों में टिल्ट ब्लैक में देखिए गियर शो करेगा कितने नंबर पे ये गियर चल रही है, और यही इमराल्ड ग्रीन में भी आपको दिखेगा कि कितने नंबर पे ये गियर आपकी चल रही है। अब हम मेन डिफरेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें मुख्य अंतर क्या क्या है जो स्टिल्थ ब्लैक में मौजूद है लेकिन एमराल्ड ग्रीन में मौजूद नहीं है, आइए वो समझ लेते हैं। नंबर वन, कलर को लेकर। कलर देखा जाए तो स्टिल्थ ब्लैक जो है वो मैट ब्लैक कलर के साथ है, और एमराल्ड ग्रीन में अगर देखा जाए तो ये क्रोम ग्रीन के साथ आ जाती है। अब बात करते हैं व्हील की। स्टिल्थ ब्लैक में आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगी, लेकिन एमराल्ड ग्रीन में यहाँ आपको स्पोक व्हील मिल जाती है। इस व्हील की वजह से मैक्सिमम लोग स्टिल्थ ब्लैक को परचेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बाइक की लुकिंग है वो अलॉय व्हील के बाद आप देखेंगे तो स्टिल्थ ब्लैक बेस्ट दिखती है, और एमराल्ड ग्रीन ग्रीन में आपको बेस्ट दिखेगी, लेकिन स्पोक व्हील की वजह से ये थोड़ा सा पीछे जा सकती है। अब बात करेंगे प्राइस के मामले में, तो प्राइस स्टिल्थ ब्लैक का कम है और एमराल्ड ग्रीन का ज्यादा है। क्यों ज्यादा वो भी समझिए, क्योंकि इसमें क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, इस वजह से इसकी आपकी प्राइस जो है एमराल्ड ग्रीन की ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर फोर, लोगो की बात करें, ये भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। जैसे स्टिल्थ ब्लैक में कुछ इस टाइप के 3D आपको लुकिंग देखने को मिलेगा जो ब्लैक पर ब्लैक दिखेगा, लेकिन एमराल्ड ग्रीन का जो 3D आपको रॉयल एनफील्ड लोगो है ये सबसे बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे प्लस पॉइंट है एमराल्ड ग्रीन के लिए। अब इन सभी डिफरेंट में आपको कौन सा डिफरेंट अच्छा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आया ना, लाइक तो जरूर बनता है, और हाँ, पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन पॉइंट देने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।